श्रेया के पीछे से एक आवाज आती है जिसे सुनकर श्रेया घबराकर चाबी गिरा देती है। श्रेया मुड़कर देखती है तो पीछे नाइशा खड़ी थी। तुम हो क्या? क्यों, मेरे होने से क्या हो गया? और मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अगर इसे मुझ पर शक हो गया तो ये उस नागिन को सब बता देगी और फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तुम भी तो इतनी रात को यहाँ हो, क्यों? वो मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी इसलिए। बेचैनी? किसी और के प्यार पर कब्जा करके बैठ गई हो, बेचैनी नहीं तो और क्या होगी तुम्हें? हाँ, नहीं श्रेया, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें बुरा लगा है मैं जानती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी मेरी दोस्त। पर श्रेया बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। उन दोनों की आवाज से तुषार की नींद खुल जाती है और वह ये सब देख लेता है। नायशा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। श्रेया तुम्हें कुछ भी बोल देती है, मगर तुम उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही मानती हो। और नायशा बाहर आसमान के नीचे जाकर बैठ जाती है, तभी तुषार भी वहां आ जाता है। अरे तुषार, तुम सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो नायशा। पता है तुषार, वो आसमान में सबसे चमकीला तारा है ना, वो मेरी माँ है। जब मैं छोटी सी थी वो तब से वहां आसमान में ही रह रही है, ना ही मेरे पास आती है और ना ही मुझे वहां बुलाती है। नायशा रोना बंद करो, मेरी माँ है ना, तुम उन्हें अपनी माँ ही समझो। और तुषार नायशा को गले लगा लेता है। श्रेया अपने कमरे से ये सब देख रही थी। हाँ, ये लव बर्ड्स और इनकी बेवकूफिया। चिंता मत कर नायशा, मुझे तेरे तुषार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुषार के साथ तुझे भी मार दूंगी। मगर वो चाबी तो मुझसे गिर गई है। इससे पहले कि वो किसी और को मिले मुझे फिर से उसे ढूंढना होगा। नीलम भी कमरे में बैठी हुई तुषार और नायशा को देख रही थी। कनिष्क, कनिष्क उठो ना। सोने दो ना नीलम, तुम तो नींद में भी तंग करती हो। ओहो कनिष्क, मस्ती नहीं, उठो ना जल्दी ये देखो। कनिष्क उठकर नायशा और तुषार को देखता है। इन्हें देखकर मुझे हम दोनों की याद आती है। हाँ नीलम, कनिष्क अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है और जल्दी ही उसे ये सच भी पता लग जाएगा कि वो भी एक नाग है। चिंता मत करो कनिष्क, सब ठीक होगा। श्रेया ये सब छिपकर सुन लेती है। तो मुझे इस नागिन के खिलाफ एक कमजोर कड़ी मिल गई, वक्त आने पर मैं इसके बेटे को ही हथियार बना लूंगी। अगली सुबह घर की घंटी बजती है। नीलम दरवाजा खोलती है तो सामने एक वृद्ध आदमी खड़ा होता है, जो और कोई नहीं बल्कि तरुण ही बूढ़े के भेष में आया था। हाँ बाबा। बेटा, वो जरा श्रेया को बुला दोगी? आप कौन? वो आप श्रेया से ही पूछ लेना। और नीलम श्रेया को बुला देती है। श्रेया तरुण को देखकर चौंक जाती है। कौन है बेटा ये? आंटी, ये मेरे काका हैं। बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तुम्हारे काका? पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे काका भी हैं। भूल गई होगी मेरी बिटिया, इतनी शैतान जो है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि श्रेया का अपने एक बूढ़े काका से रिश्ता तो है, वरना बेटा मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ आड़े टेढ़े कपड़ों और अंग्रेजी के अलावा किसी को नहीं मानती हो। सब हंसते हैं। माँ बस भी करो, कितनी टांग खींचोगी बेचारी की। और श्रेया तरुण को अपने कमरे में ले जाती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो और क्या करूं? लगता है तुम प्यार में पागल होकर ये भी भूल गई हो कि ये बदले का मकसद अकेला तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। तुमने तो मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा। वो मैं यहाँ आकर ऐसी फंसी थी कि क्या ही बताऊं। और श्रेया तरुण को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तरुण को बहुत तेज हंसी आती है। वाह, तुमने तो अच्छी प्रोग्रेस करी है। यहाँ बनने आई थी बहू और उसी बहू की सहेली बनकर रह गई। हंस लो तुम भी। जैसे ही वो चाबी मेरे हाथ लगेगी इन सब का खेल खत्म कर दूंगी, तब हंसूंगी केवल मैं। चाबी? कौन सी चाबी? कोई चाबी नहीं, मैं तो कह रही थी कि सारे खेल की एक ही चाबी है मेरे पास और वो है तुषार। श्रेया बात पलटकर बाहर चली जाती है। कागराज एकदम सही कह रहा था, ये नागिन जरूर कुछ बड़ा सोच रही है, मुझे पता लगाना होगा। अम्मा त्रिशा के पास जाती है। त्रिशा, मेरी बात ध्यान से सुन,
आगे तुझे बहुत से ऐसे मकसद हैं जो अकेले ही पूरे करने होंगे, तो क्या तू इसके लिए तैयार है? हाँ अम्मा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, बस एक चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। अम्मा, आपने बचपन से ही मुझे लुटेरी बनने का प्रशिक्षण दिया। मुझे हमेशा यही सिखाया कि गांव लूटना है, मंदिर लूटना है, यही मेरा मकसद है। तो अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब एक झूठ था? बिटिया, जो तुम सोच रही हो वो एकदम सही है, पर मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक जितना सिखाया है, ये मकसद बस उसी की बड़ी परीक्षा है जिसमें तुम्हें पास होना जरूरी है। चिंता मत करो माँ, जिस लोहे को आपने आँच में तपाया था वो अब तेज हथियार बन चुका है, और मैं आपका हर मकसद पूरा करूंगी। और अम्मा त्रिशा को योजना बताती है। ठीक है माँ, मैं अभी वहाँ जाती हूँ और जैसा जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही करूंगी। घर में सफाई के दौरान किसी को वो चाबी हाथ लग जाती है और वो उठाकर अपने पास रख लेता है, और श्रेया सबकी नजरों से बचकर चाबी ढूंढने की कोशिश करती है। कहाँ चली गई वो चाबी, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? तभी पीछे से तुषार आ जाता है। इसे ढूंढ रही हो? ये तो मेरे पास है। और श्रेया मुड़कर देखती है, तुषार उसे गुलाब का फूल देते हुए मुस्कुराता है। इसे ही ढूंढ रही हो ना इतनी देर से? आ गया गधा, अब इससे प्यार का नाटक शुरू करो। ओ यस यस माय बेबी, थैंक यू सो मच, यू आर माय स्वीटहार्ट। ये श्रेया, ये क्या तरीका है घर में रहने का? तुषार से थोड़ा दूर रहो, अब इस पर नायशा का हक है। ओ प्लीज ओल्ड लेडी, एक्सक्यूज मी, मुझे बाहर जाना है। और श्रेया नीलम से इस तरह बात करके बाहर चली जाती है। माँ जी, आप श्रेया की बातों का बुरा मत मानना, वो साफ मन की है इसलिए ऐसे बोल देती है। मन तो तुम्हारा सोने जैसा है नायशा, अपने बारे में ना सोचकर अभी भी तुम बस मेरे और श्रेया के लिए सोच रही हो, कहीं मैं श्रेया को लेकर गलत तो नहीं महसूस कर रहा? तुषार बेटा, 4 दिन बाद तेरा जन्मदिन है, उसी दिन पूजा के दौरान मैं तेरी शादी नायशा से करना चाहती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे माँ। तुषार इस बार मना नहीं करता, ये सुन नायशा भी खुश हो जाती है। श्रेया ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। शादी शादी माय फुट, मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होगी, अब देखना इस घर में मातम होगा, सिर्फ मातम। नीलम कमरे में कनिष्क के साथ बैठी हुई थी। कनिष्क, तुषार की शादी होने वाली है, नायशा हमारी बहू बनकर आ रही है, सब कितना अच्छा हो रहा है। सब इतना अच्छा है तो फिर तुम दुखी क्यों हो नीलम? कनिष्क, हमारी बच्ची काव्या, अभी तक काव्या के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, मेरी आंखें तरस गई हैं काव्या को देखने के लिए, हमारी बच्ची कहाँ होगी कनिष्क? चुप हो जाओ नीलम, भोलेनाथ उसके लिए जरूर कोई रास्ता निकालेंगे, खुशियों का माहौल है, तुम सिर्फ मुस्कुराओ। नीलम और कनिष्क को बाहर से कोई देख रही थी और वो भी रोने लगती है। वो और कोई नहीं बल्कि त्रिशा ही थी। त्रिशा बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इस पागल औरत की बातें सुनकर क्यों रो रही हूँ, आखिर इसके सामने आते ही मुझे हो क्या जाता है? त्रिशा, अपना पूरा ध्यान अपने मकसद पर लगा, भटक मत त्रिशा, भटक मत। तभी त्रिशा के पीछे से तरुण आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। भटक गई हो क्या बेटी? त्रिशा घबराकर पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे तरुण होता है। त्रिशा को तरुण को देखकर वही सपना याद आता है और वो नजरें चुराने लगती है। हाँ वो मैं यहाँ से रास्ता भटक गई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे? ओ मैडम, पीछा मैं नहीं, तुम करती हो हर बार मेरा, लगता है हमारा कोई जन्मों जन्मों का नाता है। और वहाँ से जाने लगती है कि तभी तरुण उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे नाम तो बताती जाओ अपना, अब तो इतनी बार मिल चुकी हो, नाम क्या है आपका? वही जो तेरी अम्मा का है। और तरुण को त्रिशा की बात पर गुस्सा आता है और वो गुस्से से त्रिशा को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से त्रिशा उसके ऊपर आकर गिरती है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैडम मुझे छोड़ दो, आप मुझे अकेला देखकर मेरा फायदा उठा रही हैं। पागल हो तुम, एकदम पागल। और त्रिशा उठकर वहाँ से चली जाती है। मालिक ये सब क्या है? चुप कर,
मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था ताकि हमारी जिंदगी की कहानी में थोड़ा रोमांच आ जाए। और तरुण भी वहाँ से चला जाता है। रात में सबके सोने के बाद श्रेया वापस कमरे से बाहर आती है और काली नागिन के रूप में आ जाती है। फिर श्रेया नीलम के कमरे में जाती है और अपना फन फैला देती है। अगर मैं मेरी कहानी के मेन विलन को ही मार दूं, तो फिर मेरा मकसद ही पूरा हो जाएगा। आज तुझे मेरे जहर से कोई नहीं बचा पाएगा नागिन, आज तेरा खेल खत्म। और श्रेया नीलम पर आक्रमण करती है। आप देखिए आगे की एपिसोड में क्या श्रेया नीलम को मार डालेगी या वक्त रहते नीलम अपनी रक्षा कर पाएगी। दूसरी ओर त्रिशा और तरुण का नीलम के घर के पास आने के पीछे क्या चाल है, इसके बारे में जल्द ही पता चलेगा। इसलिए ऐसे आगे की कहानी का भी मजा लेने के लिए देखते रहिए नागिन सीजन 4 ओनली ऑन एनाइम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।